नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं एक्सिस 24। बड़ी खबर आ रही है, भीम आर्मी से जुड़ी, चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी और दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी। जी हाँ, 2 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि किस प्रकार आपको बेल मिला है चंद्रशेखर आजाद को, और उस वक्त हमने खबर ब्रेक की थी कि शायद दिल्ली विधानसभा चुनाव में भीम आर्मी अपने कैंडिडेट उतार सकती है, और यही बात चंद्रशेखर आजाद के वकीलों ने दिल्ली कोर्ट में भी कही कि उन्हें कैंडिडेट उतारने हैं, प्रचार करने जाना है, इसलिए उन पर जो प्रतिबंध लगा है कि दिल्ली वो नहीं एंटर कर सकते, प्रदर्शन में भाग नहीं ले सकते, उनको आने दिया जाए। अब हमारी खबर पर मोहर लगती दिख रही है। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भीम आर्मी की एंट्री हो चुकी है, और बता दें आपको सीमापुरी इलाका है, शेड्यूल कास्ट के लिए आपको रिजर्व सीट है, और वहां पर भीम आर्मी ने अपना कैडर उतार दिया। जी हाँ, कनिष्ठ नाम है और युवा नेता है, दिल्ली आपको स्टेट जनरल सेक्रेटरी है भीम आर्मी के, और उनकी एंट्री हो चुकी है। काफी युवा नेता है भीम आर्मी में, काफी उनका सपोर्ट रहता है, लगातार वो चंद्रशेखर आजाद के साथ देखे जाते हैं जब वो दिल्ली आते हैं, और सीमापुरी इलाके खासकर राजनीति में ये बहुत ही बड़ी आपको एंट्री भीम आर्मी की, क्योंकि रिजर्व सीट है शेड्यूल कास्ट को लेकर, और जिस प्रकार से दलित वोटरों का आकर्षण है भीम आर्मी पे, वहां पर सीधा इसका असर देखने को पड़ेगा। आपको बता दें वहां पर आपको आम आदमी पार्टी से लगातार पिछली 2013-2015 में दोनों बार आम आदमी पार्टी के खाते में वो सीट गई थी, 2008 में वो सीट कांग्रेस के पास थी। आपको बता दें आम आदमी पार्टी से राजेंद्र पाल गौतम आपको 80,000 वोटों से 2015 का चुनाव जीता था, और जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उन्हें उस वक्त मात्र 30,000 वोट मिले थे, यानी 50,000 वोटों का अंतर था, यानी भारी अंतर से आम आदमी पार्टी जीती थी। लेकिन अब देखना होगा समीकरण कितना बदलता है। कनिष्ठ सिंह की एंट्री के बाद दिलीप कुमार गौतम से आपको राजेंद्र पाल गौतम से सीधी आपको टक्केदार, माफ कीजिएगा, राजेंद्र पाल गौतम है उनका नाम जो आम आदमी पार्टी से, उनसे सीधी टक्कर होगी, और वहां पर जहां दलित वोटर्स लगातार सपोर्ट करते हैं आपको भीम आर्मी को, जो पूरे भारत में एक तरह का माहौल बन गया है, जो दलित यूथ वोटर है खासकर, वो सीधे तौर पर अपने आप को भीम आर्मी को से जुड़ाव महसूस करता है, चंद्रशेखर आजाद से जुड़ाव महसूस करता है, वहां पर कनिष्ठ सिंह के जब जैसी एंट्री होगी तो उसका फायदा किसको मिलेगा। शायद कई बार राजनीति में आप जानते हैं, मान लीजिए अगर कनिष्ठ सिंह एंट्री हो ही गए हैं, अब उसके बाद कहीं वो ज्यादा आम आदमी पार्टी के वोट काट ले तो बीजेपी को भी फायदा हो सकता है, लेकिन राजनीति है, यहाँ पर 1+1 2 भी नहीं होता है, और 1-1 कभी कभी 0 भी नहीं होता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लैंडस्लाइड विक्ट्री भी कनिष्ठ सिंह को मिल सकती है, या फिर जैसा नॉर्मल रहा आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती है, और बीजेपी भी को कहीं फायदा हो सकता है। तो ये 7 फरवरी का इंतजार करना होगा, जिस दिन वोटिंग होगी उस पर जब परिणाम आएंगे। लेकिन भीम आर्मी की एंट्री दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा असर डालने वाली है, क्योंकि जहां बात हो रही थी आपको केजरीवाल की, मनोज तिवारी की, वहीं पर भीम आर्मी जिन पर सैकड़ों प्रतिबंध लग जाते हैं बार बार, जिन्हें बार बार जेल में डाल दिया जाता है, और जिस प्रकार से कोर्ट में उन्हें जमानत मिली थी शर्तिया, और उसके बाद इस तरह की छूट मिली, अब वो लगातार दिल्ली रहेंगे अगले 1 महीने तक, जब तक वो चुनाव वोटिंग नहीं हो जाती, उसके बाद लगातार कनिष्ठ सिंह और बाकी कैंडिडेट्स अगर वो उतारते हैं, क्योंकि हम लोग को जो सूत्रों से खबर थी वो 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं, अगर उन्होंने 5 सीट उतार दिया और पूरी दिल्ली की सड़कों पर रैली कर दी तो उसका इफेक्ट किसको होगा, किसको भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लगातार वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी की वोट बैंक पे असर हो सकता है, लेकिन बीजेपी का कई बार वोट बैंक इतना मजबूत और फिक्स रहता है कि उसे तोड़ना मुश्किल होता है, और जो लिबरल पार्टीज होती है, जैसे आपने देखा होगा जब पुराने चुनाव हुए 2015 में, तो कांग्रेस का ही ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को गया, बीजेपी वैसे ही वोट रेशियो में काम कर रही थी, 30% 32% उनका रेशियो था। अब देखना होगा जब आम आदमी पार्टी चुनाव में एंट्री करेगी, आम आदमी ही मानव चुनाव में एंट्री करती है तो कितना बीजेपी के वोट को अफेक्ट करती है, या फिर आम आदमी पार्टी के वोट्स उन पर ज्यादा ट्रांसफर होते हैं। तो हम लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव पर नजर बनाए रखते हैं, भीम आर्मी के रूप में आपकी नजर हमेशा आपके सामने लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो रिपोर्ट अच्छी लगी है, हमारे चैनल एक्सिस 24 को सब्सक्राइब करें।